जावेद साहब, लेकिन हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं आपका जन्म ग्वालियर में हुआ, लेकिन आपका एक कनेक्शन भोपाल के साथ है, उसको हम जानना चाहते हैं। हाउ वर द इयर्स ऑफ ग्रोइंग अप एंड व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस? देखिए, भोपाल से मेरा संबंध जो है वो ये है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार स्कूल भोपाल में गया था और ज़िंदगी में आखिरी बार कॉलेज भोपाल में गया था। तो भोपाल मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्रैकेट की तरह है, जो लड़कपन और बचपन के एक इधर भी है और इधर भी है। भोपाल से बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरे एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कहा था मुझसे, मैं 14-15 साल का था, कहले बेटा यही उम्र है, दोस्त बना लो, फिर बड़े हो के दोस्त नहीं बनते हैं, फिर कलीग्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, एक्वेंटेंस होते हैं और बिजनेस रिलेशनशिप होती है लोगों से। जो सच्ची दोस्ती है बिना मतलब की, वो इसी उम्र में होती है। तो भोपाल से मेरा रिश्ता हमेशा रहा है और टूटेगा ही नहीं, इसलिए कि मेरे ज़्यादातर सच्चे दोस्त जो हैं वो भोपाल में ही रहते हैं। ये है रिश्ता मेरा। जावेद साहब, व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस व्हाइल ग्रोइंग अप? ऐसे कौन लेखक थे, ऐसी कौन सी फिल्में थी जिनका आप पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा? देखिए, मैं जिस घर में पैदा हुआ, किस्मत से, बिल्कुल तो इत्तेफाक से, किस्मत तो मैं नहीं मानता, वो राइटर्स का घर था। मेरी माँ भी राइटर थी, बाप भी राइटर थे, फिर मेरे मामा बहुत बड़े मशहूर शायर मजाज, वो राइटर थे। तो अब इन लोगों के जो दोस्त थे वो भी राइटर थे। अक्सर जिन लोगों का नाम आप सुनते हैं कि भाई 50s में 60s में ये बड़े राइटर थे, उन सबको मैं बचपन से पर्सनली जानता था, उनके साथ बैठा उठा। सारे मैगजीन्स आते थे, किताबें, नॉवल्स, तो मैं 13 साल की उम्र तक मैंने वो किताबें पढ़ ली थी जो आधी मैं समझा था आधी नहीं समझा था। पुष्किन और गोरकी और निकोला एस्तराविस्की, इस तरह के भी राइटर मैं 13 बरस की उम्र तक पढ़ चुका था, क्योंकि सब पढ़ते थे। बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं करो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप घर के बड़े किताब पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके दिल में खुद ब खुद एक आदर पैदा होता है किताब के लिए। तो जिन राइटर्स ने मुझे शुरू में इन्फ्लुएंस किया और मेरी टीनेज में मुझे इन्फ्लुएंस किया, वो ज़्यादातर प्रोग्रेसिव राइटर थे। जब से सबसे पहले मैं जो नाम लूँगा जिसने मुझे मुतासिर किया था, वो है कृष्णचंद्र। आमतौर से क्या होता है कि प्रोज की किताबों पे पहला पेज जब खोलिए, आप कवर खोलिए, तो पहले पेज पे एक शेर लिखा होता है। मैंने जो ज़िंदगी में पहली पोइट्री की किताब जो तरकश छापी, वो जब खोलते हैं तो पहले पेज पर एक प्रोज का टुकड़ा है जो कृष्णचंद्र का है। तो बहुत मुझे उनकी राइटिंग बहुत इन्फ्लुएंस किया। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर आप एक आदमी से इन्फ्लुएंस हों तो आप फिर उसकी एको या गूंज बन जाते हैं, उसकी नकल बन जाते हैं। और आप अगर बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर आप रिसर्च स्कॉलर कहलाते हैं। तो मैं क्योंकि बहुत से लोगों से इम्प्रेस हुआ, और दूसरे मैं अभी भी जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि पढ़ो, लेकिन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ लाइट लिटरेचर भी पढ़ो, उसके साथ जो रेलवे स्टेशन पे नॉवेल्स मिलती हैं पेपरबैक्स, वो भी पढ़ो, थ्रिलर्स भी पढ़ो, और मिल्स एंड बून्स भी पढ़ो, और जेम्स हार्डली चेज और स्टैनली गार्डनर भी पढ़ो, हर तरह का राइटर पढ़ो। वरना सिर्फ इतना हैवी लिटरेचर पढ़ोगे तो तुम ड्राई भी हो सकते हो। इसलिए कि देखिए, खाना हेल्थ नहीं है, खाने को अगर आप हजम कर सकते हैं और वो जो आपने खाया है वो विटामिन जो है वो अल्टीमेटली आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो हेल्थ है। उसी तरह नॉलेज जो है हेल्थ नहीं है, नॉलेज विजडम नहीं है। अगर आप उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, वो आपकी साइकी का, आपके आदर्श का, आपके सोचने के ढंग का हिस्सा बनती है, तो नॉलेज है। और फिल्मों में रुचि कैसे, कब से पैदा हुई?
हमने ये भी सुना है कि आप निर्देशक बनना चाहते थे उस सिलसिले जी। फिल्मों का तो शौक़ मुझे बहुत ही बचपन से था। जिस मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब एडमिशन कराया गया तो मुझसे पूछा कि भाई तुम आज शाम को तुम्हारा एडमिशन हो गया है तो तुम जू देखने चलोगे या फिल्म देखने चलोगे? तो मैंने कहा मैं फिल्म देखने चलूँगा। तो उस दिन ये तय हो गया था। तो और वो पिक्चर मुझे याद है मैंने जो देखी अपनी ज़िंदगी में होल्ड संभाल। वैसे मैंने जो पहली पिक्चरें देखी हैं वो यहाँ भोपाल में शाहजहाँबाद में एक जगह है जहाँ एग्जीबिशन वगैरह होती थी मैदान, उसमें फुटबॉल भी खेलते थे। फिर जब फुटबॉल या हॉकी नहीं हो रही होती तो लेडीज़ एग्जीबिशन हुआ करती थी। अभी होती है कि नहीं पता नहीं। मुझे ये याद है कि मेरी माँ के किसी स्टूडेंट की गोद में मैं वहाँ गया हूँ। मैं शायद 2 साल या 2.5 साल का होऊंगा, 3 साल का हूँ, इसके बाद तो वो उठाती नहीं मुझे। तो वहाँ पर मैंने पिक्चर जो कोई चल रही थी तो वो लड़की अंदर गई मुझे भी लेके और थोड़ी सी उसने पिक्चर देखी और फिर बाहर आ गई। तो वो भी सीन मेरे माइंड में था। लेकिन जो होश में पूरी पिक्चर मैंने देखी है वो शायद 6 साल की उम्र में, ज़ाहिर है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में यही उम्र होगी, 7 साल होगी ज़्यादा ज़्यादा, वो थी आन। तो जी जी, तो वो मुझे शुरू से ही फिल्मों से बेहद शौक़ था और बहुत ग्लैमराइज था। और जब छोटा था तो बड़े बन होके हीरो बनना चाहता था। और दूसरी तरफ लिटरेचर का था। तो अगर आपको फिक्शन पढ़ने का भी शौक़ है और फिल्म का भी शौक़ है तो फिर आपका दिल चाहेगा कि ये नॉवल जो है फिल्म जैसी हो जाए, फिल्म बने इसकी। तो कहानियाँ और फिल्म जुड़ती हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप ख़ुद बनाएं उसे। आप कमाल अमरोही साहब के असिस्टेंट करके आपने करियर शुरू किया? सर अब असिस्टेंट तो बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है, वही इस्तेमाल होता था। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं उनका सिगरेट का पैकेट अपने पास रखता था, शूटिंग होती थी तो भाग के जाओ हीरोइन की सैंडल लेके आओ, तो भाग के जाता था कॉस्ट्यूम रूम में उनकी सैंडल ले आता था। हीरो का कोट कहाँ है? तो फिर भाग के जाओ हीरो का कोट ले आओ। तो ये सब असिस्टेंट इसे आप कहें तो कह लीजिए। तो इसलिए कि जो सच्चा वर्ड है उधर अच्छा नहीं है। तो ये वहाँ था, 50 रुपये महीना पे नौकर था। फिर एक दिन मुझे कमाल साहब ने बुलाया, कहने मैं अभी पिक्चर अपनी बंद कर रहा हूँ, मेरे इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं हैं और मैं आपको सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो 50 रुपये महीना भी बंद हो गए। ये है इसका बैकग्राउंड। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपने कहीं कहा था, मुझे याद है। एक बार आपको कमाल अमरोही साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए एक ब्रीफ लिख के दिया था और उन्होंने वो पिक्चर बना रहे थे। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है वो, हालांकि फिर वो बाद में बनी, वो ठीक नहीं बनी, एक्टर्स भी ठीक नहीं थे उसमें, लेकिन वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। शंकर हुसैन एक मुसलमान बच्चा है जो बाढ़ में मिलता है, माँ बाप घर किसी का पता नहीं उसे, और एक डॉक्टर दयाशंकर हैं, वो उसे अपने घर ले आते हैं और वो उसे पालते हैं और उसे पालते हैं बिल्कुल, मतलब उसको कुरान पढ़वाते हैं और नमाज सिखाते हैं और ये, और उसका भाई जो है वो शंकर है और भाई की तरह उस घर में वो पलता है। बहुत खूबसूरत कहानी थी। फिर क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये फिल्म अब फिर बननी चाहिए, आजकल तो काफ़ी ज़रूरत लगती है ऐसी फिल्मों की। तो उसमें एक सिचुएशन थी जो आप भोपाल के पुराने लोग हैं आप उसे जानते हैं, वो जो चार आदमी गाते हैं ना चार बैत, तो वो चार बैत उसमें थी जो कव्वाली जैसी चीज़ होती है। तो उन्होंने डिटेल में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नए नए कामयाब हुए थे उस समय, ये बात है 1965 या 66 की, तो उन्होंने मुझे लिख के उर्दू में दिया कि ये लेटर के भाई कैसे गाना होना चाहिए, कहाँ म्यूज़िक होनी चाहिए, कहाँ कोरस आना चाहिए, ये मैंने डिटेल दी है, ये आप उन्हें देवनागरी में लिखवा के उनके यहाँ दे आइए। तो मैंने कहा साहब ठीक है। जब मैंने पढ़ा तो मेरे भी आधा ही समझ में आया, तो मैं चलिए भाई हाकिम का मालिक का हुक्म है, तो लिखवा दिया और मैं जाके उन्हें दे आया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पिक्चर ही छोड़ दी। अब वो मुझे पूरा लेटर तो याद नहीं है, एक लाइन याद है उसमें से, सालार जमात मिसरा उला की नगमा संजी में मसरूफ़ है, तावक्त के दीगर असाब जमात बाकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि लीड वॉइस फर्स्ट लाइन गा रही है, कोरस सेकंड लाइन गा रहा है. और ये जो शुरुआत के हालात थे, सलीम साहब से कब और कैसे मुलाकात हुई? सर वो एक वहाँ से जब मैं बेरोज़गार हो गया तो भोपाल के ही एक साहब थे, बड़े मशहूर भोपाल के शायर, ताज साहब, ताज भोपाली, बहुत अच्छे शायर थे. वो मुझे एसएम सागर साहब, एक प्रोड्यूसर थे, उनके पास ले गए. एसएम सागर ने मुझे नौकरी दे दी 100 रुपये महीना की, जिसमें मैं असिस्टेंट तो हुआ ही था. उनके पास कोई डायलॉग राइटर नहीं था तो मैं उसके डायलॉग भी लिख रहा था 100 रुपये महीना ही. उस फिल्म में सलीम साहब जो थे वो रोमांटिक लीड में थे, और जो मेन कैरेक्टर सरहदुल लुटेरा का था वो एक एक्टर हुआ करते थे शेख मुख्तार, शायद नाम सुना होगा आपने. वो कर रहे थे, तो मेरी उस सरहदुल लुटेरा में उनसे मुलाकात. और फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ा? हाँ, फिर वो हुआ क्या कि मैं भी बांद्रा में था, वो भी बांद्रा में रहते थे. पिक्चर तो कम्प्लीट हो गई, वो तो ताज जो स्टंट फिल्मों के थिएटर होते उनमें लग गई, उतर गई. लेकिन इनसे मेरी दोस्ती हो गई तो मैं जाता था. फिर हम दोनों साथ में कार्टर रोड एक था जो अभी भी है समंदर के किनारे, वहाँ पर पैरापेट पे बैठते थे. ना उनके पास कोई काम था ना मेरे पास, तो वहाँ बैठ के कहानियाँ वहानियाँ बनाने लगते थे. तो फिर क्या हुआ एक दिन कि वही एस एम सागर साहब जिन्होंने मुझसे डायलॉग लिखाए थे और एक कहानी सलीम साहब की भी ख़रीदी थी, तो वो हम दोनों को मिले और हमसे कहा कि तुम दोनों एक मेरे पास मैंने स्टोरी ख़रीदी है और वो शॉर्ट स्टोरी है, उसका स्क्रीन प्ले नहीं बन पा रहा है, इसलिए कि मुझे तो 2.25 घंटे की पिक्चर चाहिए, वो तो एक छोटी सी कहानी है. इस कहानी को लेके तुम एक स्क्रीन प्ले बना सकते हो. तो हमने पूछा आप कितने पैसे देंगे, तो कह ले 5,000, मतलब 2,500 सलीम साहब को, 2,500 मुझे. तो हमारे तो मतलब लॉटरी लग गई. तो हमने कहा ठीक है साहब. तो हम दोनों ने बैठ के वो बना के उन्हें दे दिया, उन्होंने हमें पैसे भी दे दिए. फिर अपने पैसों में से मैं चाइनीज़ फूड लाया था. तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्हीं एस एम सागर साहब का एक असिस्टेंट था सुधीर वाही. देखिए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करके निकल जाते हैं. तो उसने हमसे कहा कि देखो मैं सिप्पी फिल्म में कुछ लोग को जानता हूँ, सिप्पी फिल्म एक स्टोरी डिपार्टमेंट बनाना चाहता है, तो वहाँ अगर तुम लोग चले जाओ, तुमने इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है तो तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा. तो मैं वहाँ चला गया एक दिन. पहले तो जा ही नहीं है, मतलब किसी दिन जाए, 4-5 दिन निकल गए. सोचा कौन जाए यार, वो इतने बड़े लोग काम थोड़ी देंगे हमें. फिर मैंने कहा काम नहीं देंगे, जेल थोड़ी भिजवा देंगे, चलो देखते हैं. तो मैं चला गया तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दे दिया. मैंने जो बात बात की बड़े कॉन्फिडेंस से, कम उम्र में अकल कम होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है. तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस देखा तो कहने अच्छा आप लोग आइए कहानी सुन. तो फिर मैं सलीम साहब से कहा कि भाई ऐसा है तो चलिए आप भी साथ ही चलते हैं दोनों. फिर हम दोनों वहाँ चले गए, हम दोनों को वहाँ काम मिल गया, जो हमने सुनाया अपना लिखा हुआ कुछ उसमें फिर हम दोनों साथ में हो गए. अब वहाँ हमारी मुलाकात राजेश खन्ना से हो गई. राजेश खन्ना की नई नई रिलीज़ हुई थी पिक्चर दो रास्ते और आराधना, वो सुपरस्टार हो गए थे. उन्होंने एक घर खरीदा था जो राजेंद्र कुमार साहब का था, वही कार्टर रोड पे जहाँ हम बैठा करते थे कभी. वो उन्होंने उस ज़माने में वो बंगला लिया था 4.5 लाख का. तो उसमें ये था कि 2.5 लाख उन्होंने पेमेंट कर दिया था, 2 लाख 3-4 महीने में पेमेंट कर देंगे. तो ये बिक गया. अभी वो कुछ दिनों पहले वो बंगला उनके देहांत के बाद बिका है कुछ अराउंड 100 करोड़ का. तो ये उन्होंने लिया था 4.5 लाख में. तो उन्होंने ये पैसे जो थे, एक साउथ के प्रोड्यूसर की पिक्चर साइन की थी, उसने आके उन्हें 2.5 लाख दे दी. 2.5 लाख उस ज़माने में ऐसे थे जैसे आज कोई 25 करोड़ दे दे. तो अब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी तो इतनी बुरी थी कि राजेश खन्ना हमारे पास आए. उन्होंने कहा देखो भैया, पैसा तो मैं वापस नहीं कर सकता हूँ उसका, इसलिए कि मैंने घर खरीदा और ये पिक्चर में अगर मैंने काम कर लिया तो मेरा करियर इस पिक्चर के साथ ख़त्म हो जाएगा. तो तुम लोग इसका स्क्रीन प्ले किसी तरह ठीक कर दो. इसलिए कि हमने वहाँ उसको कहानियाँ वानियाँ अपनी सुनाई थी, ऑफिस में आता रहता था. तो इस तरह फिर हम दोनों साथ काम करने लगे. अब चले गए हम साउथ, वहाँ जाके हाथी मेरे साथी लिखी हमने. तो
उसके बाद हम वापस आए तो यहाँ सीधा सीधा प्लान हो रही थी. तो हुआ ये कि ओवरनाइट हमने कभी डिसाइड नहीं किया कि भाई कल से हम पार्टनर हैं. वो हालात ऐसे थे कि हम साथ जुड़ते चले गए और फिर लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा ही काम हो रहा है. जावेद साहब, हमने ये भी सुना है उस वक्त राइटर्स के कुछ हालात ऐसे थे कि ना उन्हें ठीक से पैसे मिलते थे, ना इज्जत थी, कभी कभी तो क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था. ये सही है, उस ज़माने में राइटर्स पुअरली पेड थे और बैनर पे पोस्टर पे तो नाम का सवाल ही नहीं होता था. तो हमने जब अपनी हमारी क्या अंदाज आई वो हिट हो गई, फिर हाथी मेरे साथी आई वो हिट हो गई, फिर उसके बाद सीता और गीता आई वो हिट हो गई. तो अब जब चौथी हमारी पिक्चर आई जंजीर, तो हमने प्रोड्यूसर से कहा कि भाई ये बैनर पे जहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम देते हैं, डायरेक्टर का नाम देते हैं, तो सारे एक्टरों के फेसेस देते हैं, तो उसमें हमारा राइटर, हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट है ये भी तो दे दीजिए, स्क्रिप्ट भाई सलीम जावेद. तो उन्होंने कहा ये नाम नहीं होता है, ये कोई राइटर का नाम कोई उस पर बैनर पर देता है, पोस्टर पर देता है क्या, कोई नहीं देता. तो हमने कहा अच्छा ठीक है. तो उस दिन हम रात को पोस्टर वोस्टर उनके पूरे, उस ज़माने में एक ही समय में पूरे हिंदुस्तान में पिक्चर रिलीज़ नहीं होती थी, तो बड़े बड़े शहरों में पहले लगती थी, फिर छोटे शहरों में कुछ दिनों बाद आती थी, फिर उसके छोटे शहरों में उसके बाद आती. तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं. तो पोस्टर सब लग चुके थे पूरे बम्बई में, तो हमने दो जीपें हायर की, दो सीढ़ियाँ उस पर रखी और एक स्टेंसिल बनवाया और कलर दिया और दो आदमी रखे उसमें. हमने कहा जाओ पूरे शहर में जहाँ जहाँ जंजीर का पोस्टर है उसके ऊपर लिख दो सलीम जावेद. अब वो भी हमने तो इतना ही कहा था, लेकिन वो जाहिर है रात भर काम करना था तो दो चार लगा लिए थे उसने. तो उसने कहीं हीरो की नाक पे, कहीं प्राण के मुंह पे, कहीं कहीं जया की गर्दन पे, उन्होंने सब जगह लिख दिया रिटर्न बाय सलीम जावेद. अब क्या करें भाई, कोर्ट में जाएं, पुलिस को कहें, क्या करें. तो उसके बाद से प्रोड्यूसर हमारा नाम देने लगे. नहीं, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि एक के बाद एक जंजीर आई, दीवार आई, शोले आई. एक साथ तो सब नहीं आ सकती थी ना. एक एक के बाद एक ही आई. नहीं, मतलब एवरी फिल्म वॉज लाइक ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स, नए रिकॉर्ड बना रहा था. पहली बार एक ऐसी राइटर की जोड़ी आई जो विच वॉज द रेसिपी टू सक्सेस. देखिए क्या है, कभी कभी लोग, अभी ये तो ये फिल्में हैं, आई फील वेरी हम्बल्ड समटाइम, इनके ऊपर कैलिफोर्निया में, फ्रांस में, पेरिस में लोगों ने थीसिस लिखे हैं. एक मैरी कोहन है कैलिफोर्निया की, उन्होंने एक पूरा थीसिस लिखा है मेटाफर इन द डायलॉग ऑफ सलीम जावेद. एक वो पेरिस में उन्होंने बहुत लिखा है, लंबा चौड़ा एक ऑलमोस्ट किताब लिख डाली है कि उस ज़माने को जो एंग्री यंग मैन की इमेज थी वो कंटेम्प्रेरी क्यों थी, हाउ इट रिप्रेजेंटेड द सोसाइटी. सुन, थैंक यू वेरी मच, लेकिन फैक्ट ये है कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं था. हम तो फिल्में लिख रहे थे और हमने सोचा ये इंटरेस्टिंग है, लिख दिया तो ये हमें अच्छा लग रहा था वो लिखा हमने. हमें कुछ नहीं पता था कि इसका सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, हमें कुछ नहीं पता. और अच्छी बात है कि हमें नहीं मालूम था. अच्छी बात इसलिए है कि अगर हमें ये मालूम होता तो इसके मतलब हम समाज को बाहर से देख रहे हैं, भाई आजकल लोगों की ये फीलिंग है तो ऐसा लिखो. हमें नहीं पता था, हम तो खुद समाज का हिस्सा थे. तो समाज जिस हवा में सांस ले रहा था वही हवा में हम सांस ले रहे थे. उस हवा में जो कुछ था जो समाज के सिस्टम में जा रहा था वो हमारे भी जा रहा था. तो हम क्योंकि बिल्कुल उससे जुड़े हुए थे तो हमें पता ही नहीं था कि हम जैसा सोच रहे हैं वही सब सोच रहे हैं और जो सब सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं. तो हमने लिखा और लोगों को इसीलिए अच्छा लगा. जावेद साहब, एक ऐसा समय आया था, सलीम साहब ने कहीं कहा था कि यू वर पेड मोर देन द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म. सर यहाँ कोई इनकम टैक्स वाला तो नहीं हाथ उठा दे. हाँ ऐसा भी हुआ था. लेकिन यू स्टार्टेड डिक्टेटिंग द टर्म्स आपने. देखिए डिक्टेटिंग द टर्म्स जो है वो बड़ी अनफेयर बात है. क्या होता है कि
जैसा कि आपने कहा कि राइटर का नाम नहीं देते थे, राइटर को पैसा नहीं देते थे, तो अब अगर राइटर कहे साहब मेरा नाम ऐसा होगा और मुझे पैसा इतना मिले, तो उन्हें लगा अरे इसका तो बड़ा दिमाग खराब है, आप तो ज़्यादा ही टर्म्स बता रहे हैं। तो वो क्या होता है, छोटे आदमी का जो कमज़ोर आदमी है, अब वो किसान जाके ज़मींदार से जब बात करता है तो वो बदतमीज़ लगता है, ज़मींदार उसे 10 गालियाँ देते तो कोई बात नहीं, ज़मींदार का तो काम किसान को गाली देना है ना, लेकिन जब किसान खड़ा हो जाता है तो कहते हैं इसने तो रिवोल्ट कर दी है, ये तो साहब बहुत ही ख़तरनाक आदमी है, बहुत जल्दी इंटरनेशनल भी हो जाएगा। पर ये जो क्राफ्ट था स्क्रीन प्ले का, उस बारे में यू वर एक्सट्रीमली अवेयर, वो कहाँ, क्योंकि शायद उससे पहले स्टोरी लिखी जाती थी, डायलॉग्स लिखे जाते थे, लेकिन स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट का जो क्राफ्ट था वो शायद पहले। देखिए, मैं एक पिक्चर में काम कर रहा था, उसके डायरेक्टर थे मधुसूदन साहब, वो भी पिक्चर बनी नहीं, कुछ दिनों शूटिंग हुई उसकी, तो मैंने एक दिन मधुसूदन साहब से पूछा, मैं नया नया था बिल्कुल, तो मैंने कहा कि सर ये मैं स्क्रीन प्ले क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं हाउ टू राइट स्क्रीन प्ले, व्हाट इज स्क्रीन प्ले। तो उन्होंने कहा तुम ये जानते हो नॉवल क्या होती है, मैं जी। तुम ये जानते हो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, जी। तुम ये जानते हो प्ले क्या होता है, जी हाँ। तुम ये जानते हो पोएम क्या होती है, हाँ। तुमने कोई किताब पढ़ी है हाउ टू राइट अ नॉवल, व्हाट इज अ नॉवल, मैंने कहा नहीं। तो कैसे मालूम है, मैंने कहा वो नॉवल्स पढ़ी हैं मैंने, तो पहले तो फिर स्क्रीन प्ले पढ़ो, हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले क्यों पढ़ रहे हो, स्क्रीन प्ले पढ़ो खुद समझ में आएगा। तो मुझे उन्होंने एक किताब दी जिसमें कोई 20 बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले 40s के हॉलीवुड के थे, तो मैंने वो पढ़ी, तो कुछ मुझे अंदाज़ा हुआ स्क्रीन प्ले का। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने स्क्रीन प्ले उससे भी ज़्यादा सीखा सलीम साहब से। सलीम साहब को स्क्रीन प्ले का जैसा सेंस था वो कम लोगों को होगा, और जब हमने एसोसिएट किया और साथ में हमने काम किया तो मैंने स्क्रीन प्ले बहुत हद तक उनसे सीखा, इसमें कोई शक नहीं। जावेद साहब, ये सिलसिला चला 81 तक कुछ, उसके बाद आप यू सेपरेटेड एज ए टीम, आपने भी उसके बाद अकेले काफ़ी सक्सेसफुल स्क्रीन प्लेज लिखे, अर्जुन है या बेताब है या, लेकिन आपको अभी कभी ऐसा नहीं लगा अभी जब आप, हालांकि बोथ ऑफ यू हैव बीन एक्सट्रीमली कॉर्डियल, एंड सलीम साहब ने तो ग्रेशियसली यहाँ तक कहा है कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी की उस टाइम पर, मुझे थोड़ा अगर मैं थोड़ा उसे टाइम देता तो शायद मैं ये रोक पाता। कभी आपको सिर्फ काम के बारे में ऐसा लगता कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा और काम होता और 10-20 साल हम और फिल्में देख पाते? हाँ, ऐसा हो भी सकता था, मालूम नहीं। अब देखिए, ये तो योर गेस इज एज गुड एज माइन, लेकिन होता क्या है कि अगर आप पार्टनर हैं एक सीमेंट फैक्ट्री में और आपका मेंटल रिपो अपने पार्टनर से है कि नहीं है या रहा कि नहीं रहा, लेकिन जब तक कायदे में काम हो रहा है कि भाई कितना प्रोडक्शन है ये आपको मालूम है, उसे भी मालूम है कितना पैसा आया ये मालूम है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ ये मालूम है, इतने शेयर बनते हैं पैसे दे दिए गए, काम चल सकता है। यही मैं कहूँगा एक टेक्सटाइल मिल के बारे में, ये आयरन ओर की माइन के बारे में, लेकिन राइटिंग एक दूसरी चीज़ है। राइटिंग इज़ टोटली अनटेंजेबल, इसमें कोई आप तोल नहीं सकते कि ये सीन सही है कि नहीं, आप नाप नहीं सकते कि ये डायलॉग करेक्ट है कि नहीं, ये एक आपस में जब तक टोटल मेंटल कनेक्शन नहीं होगा, माइंड एक नहीं होंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। ये ठंडे दिल से काम नहीं होगा, ये तो दो आदमियों का एक हो जाए ब्रेन तब काम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग शुरू में एक होते हैं, फिर थोड़ी सक्सेस होती है, फिर ये होता है, फिर आपके कुछ दोस्त हो जाते हैं, कुछ दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, फिर आपके जो दबे हुए इंटरेस्ट थे वो निकल आते हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं साथ में, फिर उनके जो दबे हुए इंटरेस्ट थे वो उसमें निकल आते हैं, तो धीरे धीरे वो जो मेंटल कनेक्शन है वो ब्रेक होने लगता है। और मुझे लगता है वही हमारे साथ हुआ, ये नहीं कि हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, हमारे साथ कभी तू मैं नहीं हुई हमारी, जब हम अलग हुए बहुत तहजीब और तमीज़ के साथ, लेकिन मुझे लगता है काम में वो जो हमारी जुगलबंदी थी वो रही नहीं थी बाद में। 81 में सिलसिला, 82 में
वो आपकी पहली फिल्म थी एज अ लिरिक्स राइटर? जी हाँ। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह यश चोपड़ा साहब मेरे घर आ गए, तो हमने उनके साथ कई पिक्चरें की हुई हैं, दीवार है, त्रिशूल है, काला पत्थर है, तो कहने लगे कि भैया मेरी एक पिक्चर बन रही है सिलसिला, और उसमें जो हीरो है वो है पोएट, और साहिर साहब से मैं लिखवा नहीं सकता, कुछ ऐसी वजूहात रीजंस हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे गाने तुम लिख दो। यश चोपड़ा का इतना बड़ा स्टेटस था कि अगर उनको कोई राइटर से कहते तो राइटर अपनी हाथ काट के उन्हें दे देता कि इसे लिख लीजिएगा, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूँगा। तो कहले क्यों? मैंने कहा मैं अभी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं जो पोइट्री वोट्री करता हूँ, मैंने छपाई भी नहीं थी तब तक, तो वो जो दो चार पाँच लोग जिन्हें मैं सुनाता था, चूँकि इनसे मेरे बड़े फैमिली रिलेशन थे, यश चोपड़ा से तो इन्हें भी सुनाता था और ये जानते भी थे पोइट्री, इसमें कोई शक नहीं, तो इन्हें मालूम था कि मैं पोइट हूँ और किस तरह की पोइट्री करता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं लिखोगे भाई? मैंने कहा मैं, वो मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है, मैं उसे क्यों मार्केट में लाऊंगा, अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ काफ़ी है, ये मैं अभी अलग करता हूँ। कहले नहीं नहीं, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो जितनी मुश्किल शर्तें हो सकती थी सब मैंने लगा दी। मैं, टॉप सॉन्ग राइटर कितना लेता है? तो उनका जी इतना ले। मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं लूँगा। और ये कैसे होता है? नहीं नहीं, इससे ज़्यादा मुझे होगा। वो उन्होंने कहा सब शर्तें मंजूर। तो मैंने कहा फिर एक काम कीजिए, आप सारे पैसे मुझे भिजवा दीजिए घर, तो मैं लिखूँगा आपके गाने, मतलब सिर्फ मैं निकलने के लिए। उन्होंने अगले दिन पैसे ही भिजवा दिए। अब मेरे पास निकलने को रास्ता ही नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। अब जब मैं जा रहा था उनके घर सुबह, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया कि गाना तो ट्यून पर लिखना पड़ेगा, ये मैं ट्यून पर लिख भी पाऊँगा कि नहीं। वहाँ गए तो वहाँ शिव हरी, शिव जी और हरी जी, इंट्रोडक्शन की उनकी ज़रूरत नहीं है, शिव कुमार शर्मा, हरी प्रसाद चौरसिया, दोनों जीनियस है, तो वो म्यूज़िक दे रहे थे, वो भी पहली बार म्यूज़िक दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई और मैं वहाँ 10:30 बजे गया था और 5 बजे जब वहाँ से मैं निकला तो मैं गाना वहीं लिख चुका था। तो वो पहला गाना जो मेरी ज़िंदगी का था वो था देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। सर ये इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, ये फिल्मों के लिए जो गाने लिखे जाते हैं, यू नो आपका शायरी का बैकग्राउंड था, लेकिन एक ट्यून पर एक सिचुएशन दी जाती है, आपको कैरेक्टर पता है, और हालांकि जब आप एक शेर लिखते हैं तो जब तक आप पहली लाइन नहीं लिखते तब तक आप कोई कुछ कमिट नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसे माहौल में ऐसे जकड़ के किस तरह से, हाउ डज इट वर्क? देखिए कंडीशनिंग तो पोइट्री अपने अंदर एक कंडीशन है, इसलिए कि इसीलिए वो प्रोज से अलग है कि उसमें एक मीटर होता है, उसमें वजन होगा, उसमें राइम होंगे, अगर राइम नहीं होगा तब भी उसकी स्कैनिंग एक होनी, सो ऑन सो फोर्थ, तब उसकी टेक्निकल डिटेल में कहाँ जाए, मगर कोई चीज़ तो है उसे जो प्रोज से अलग करती है, तो वो कंडीशन, वो ग्रामर, वो क्राफ्ट तो है ही है पोइट्री में। अगर आपको कंट्रोल है लैंग्वेज पे और मीटरिंग पे और वजन पे कि कैसे आ जाएंगे वर्ड, कैसे आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी भी सिचुएशन को आप लेते हैं, अपना लेते हैं, जैसे एक्टर अपनाता है। एक्टर अपने मतलब एक बंगले से आता है अपनी ऑडी में बैठ के, फिर वो अंदर जाता है, कहता है हुजूर ये जो झोपड़ा लगा है ये आपका है, और ये औरत जो पड़ी हुई है ये निरुपा नहीं है, ये आपकी माँ है, वो मर गई है, निरुपा जी लेटी रहिएगा, यही तो होता है। और वो बिलीव करने लगता है कि मेरी माँ है और मर गई है, और रोता है और डायलॉग बोलता है अपनी माँ की बॉडी से। उसी तरह से जो राइटर्स है, चाहे वो डायलॉग राइटर हो चाहे सॉन्ग राइटर, वो भी लेटेंट एक्टर्स हैं इन अ वे, कि ये सिचुएशन मुझे दी गई है, एक स्ट्रीट अर्चिन है वो गा रहा है, या एक किसान गा रहा है, या एक माँ लोरी गा रही है, या एक आदमी भजन गा रहा है मंदिर में, तो मैं अपने आप को मेंटली उस आदमी में प्लेस करूँगा, उस कैरेक्टर में, और सोचूंगा कि ये इंसान इस इंटेलेक्चुअल लेवल का, इस बैकग्राउंड का, इस कल्चरल सेगमेंट का, किस भाषा में ये बात कहेगा, किस तरह से कहेगा, और उसको फिर मैं उस क्राफ्ट में डालूंगा जैसे पोइट्री कहते हैं। तो ये हो सकता है। ये शैलेंद्र, साहिर, ये मास्टर जो हैं, इन्होंने ज़्यादातर गाने जो हैं ट्यून पे लिखे और कैसे कैसे गीत लिखे। तो अगर कंडीशनिंग है, अगर मीट ट्यून है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा गीत नहीं लिख सकते।
जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो एक गानों में भी एक नया ईडियम इजाद हो रहा है. आप कुछ लोग बहुत परेशान हैं उससे, कुछ लोग कहते हैं यार ये तो बेहूदगी की हद होगी. जब आप पिछले 30 ये ईडियम है या इडियटम है? हाउ डू यू लुक एट द लास्ट 30 इयर्स? हाउ हैज लिरिक्स चेंज्ड? डू यू सी अ चेंज? देखिए बहुत सी ट्रेजेडीज है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है. ये जो है सिनेमा, ये सोसाइटी का हिस्सा है. कोई मार्स या वीनस से तो आया नहीं है. जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो भी मार्शियन नहीं है, इसी सोसाइटी से जाते हैं जो हमारी है. हमारी सोसाइटी में पिछले 20 बरस में एक अजीब बात हुई. दो तीन अजीब बातें हुई हैं, मैं एक एक का जिक्र करूँ. पहले तो आज ही मैं दिलीप भाई के घर पे था, वहीं ये बात हो रही थी, तो दिलीप भाई को दोबारा सुननी पड़ेगी कि हमारा जो मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है उसने इंडिजिनस लैंग्वेजेस को छोड़ दिया है. जो भारत की अपनी ज़बानें हैं, हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, जो भी ज़बानें हैं उनको छोड़ दिया है. अब वो इंग्लिश में स्कूल्स में हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं. एक सेकंड को मत समझिएगा कि मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ हूँ. बहुत अच्छा करते हैं कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, बहुत अच्छा करते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेज़ी पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है. इसके बिना वो लड़का या लड़की आगे बढ़ ही नहीं सकते. लेकिन गड़बड़ क्या है कि इस चक्कर में हमारी जो अपनी ज़बानें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी नॉलेज हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए. एक तो अब जो डायरेक्टर आता है, अब जो नया म्यूज़िक डायरेक्टर आएगा और जो इवन लिसनर है उसे लैंग्वेज का नहीं पता. एक वो जानता नहीं, उसने कभी हिंदी उर्दू पोएट्री पढ़ी या सुनी ही नहीं है. आज यंग डायरेक्टर जो है मेरे पास आता है गाने के लिए तो मुझे एक इंग्लिश सॉन्ग बताता है कि देखिए ये जो है ना इस तरह का मैं कुछ चाहता हूँ. वो ये नहीं कहता है सच है दुनिया वालों के हमें अनाड़ी ऐसा चाहिए, मन रे तुका है ना धीर धरे ऐसा चाहिए. वो नहीं कहता ये रात भीगी भीगी, ये नहीं बोलता. वो मुझे कोई इंग्लिश सॉन्ग देता है, इसलिए उसने ये तो सुना ही नहीं है, उसने यही सुने. एक जो मेकर्स हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो जवान हो गए हैं बच्चे, अब वो फिल्में बना रहे हैं, उनका हिंदी उर्दू से वास्ता नहीं. दूसरे टेक्नोलॉजी ने लाइफ का टेम्पो बहुत तेज़ कर दिया है, लाइफ को चेंज कर दिया है. जो चीज़ें हम लेटर भेजते थे लिख के 4 दिन में पहुंचता था, फिर वो पढ़ के 2 दिन बाद 4 दिन फिर वापस आता था, तो एक अगर हम बहुत एफिशिएंटली लेटर एक दूसरे को लिखें तो भी 10-10 दिन में मिला करता था. अब आप SMS कर देते हैं. हर चीज़ की स्पीड बढ़ गई. स्पीड बढ़ने से हुआ क्या है कि अटेंशन स्पैन सिमट रहा है. आप इतनी देर तक एक चीज़ को इंतज़ार कर सकते थे, इतनी देर तक चीज़ों को सुन सकते थे, सोच सकते थे उनके बारे में, अब वो जल्दी हो रहा है. जब जल्दी होता है हर बार जल्दी कहो भाई क्या कहना चाहते कहो. मतलब अब तो स्पेलिंग चेंज हो गई हैं इसके ऊपर ट्विटर पे. तो अभी कुछ बात हो रही थी, एक मौलाना ने बड़ा अच्छा फतवा दिया, कहने लगे कि तलाक जो है वो SMS पे भी दी जा सकती है. तो बड़ा कन्वीनियंस हो गया. तो मैंने कहा SMS पे देंगे तो पूरी तलाक लिखने की ज़रूरत नहीं है, TLQ लिख सकते. तो हुआ क्या है कि जब आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है तो फिर ये स्पीड जो है आप डेप्थ की कीमत पे ख़रीदते हैं. स्पीड तो आपने ले ली, डेप्थ चली गई, तो वो गहराई नहीं रही है. दूसरे एक सोसाइटी में एक और पैदा हुआ है वर्चू. आपको ये दिखाना है कि आप विनर हैं, आप खुश हैं, आप पावरफुल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक मोरालिटी है. अगर आप दुखी हैं तो यार बड़े बेकार आदमी हैं आपको गम है कोई? यार तुम किस तरह के आदमी हो? गम तो 1940 में होता था, अब तो नहीं होता है. तो हुआ क्या है कि अब आपको वो गाने जिनमें दिल का कोई दर्द हो वो चले गए. दिल के दर्द जो है वो आउटडेटेड चीज़ है. एक और चीज़ है जो आउटडेटेड है पूरी सोसाइटी में,
वो वर्च्यू जो है अगर आप में है तो आप पुराने आदमी हैं, अगर आपकी लिखाई में है तो आपकी पुरानी आउटडेटेड है लिखाई, अगर आपके घर में है तो आपका घर जो है पुराना है आउटडेटेड है। उस वर्च्यू का नाम है डिग्निटी। डिग्निटी, अगर कोई आदमी डिग्निफाइड है, ठहर के संभल के सही शब्दों में आपसे बात करता है, आपको पुराना लगता है। नया आदमी तो वो है जो तकरीबन बदतमीजी की बात करे, ऐसा बॉर्डर लाइन पे हो कि लगे कभी भी कुछ कह देगा। ये हुआ, मतलब ही डजंट केयर, यू नो, ही इज वेरी कूल। तो एक एटीट्यूड, एग्रेसिव एंड ब्रैश एटीट्यूड जो है, दैट इज कूल। और अगर वही बात आदमी तमीज से वो घुमा के ख्याल रख के बोले तो यार, एक तो वो एक बात यार इतनी लंबी करते हैं तो वो ठीक नहीं है। डिग्निटी चली गई है, और डिग्निटी किसकी ना, ये अमेरिकन्स की नकल में गई है। हम अपने कल्चर से तो कट गए हैं, हमारा अपने कल्चर, अपनी परंपरा, अपने हजारों साल की सदियों से वास्ता बहुत कम बचा है। अब हम सब बोरो करते हैं, और वो जो हमारा था वो तो आउटडेटेड है, वो पुराना है। हमारा म्यूज़िक पुराना है, आउटडेटेड है, हमारा डांस पुराना है, आउटडेटेड है, हमारे कपड़े पुराने हैं, आउटडेटेड है, हमारे खाने पुराने हैं, तो हमारे लोकगीत तो खैर गांव में गाते होंगे, हमें क्या लेना। तो ये जो एटीट्यूड है और ये जो मजबूरियाँ हैं, जो मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करता, ये हमने उन पर इन्फ्लिक्ट किए हैं। उस लाइट में आप मुझे बताइए गाने कैसे बनेंगे। बिल्कुल, इस समाज में ही बन रहे हैं ना, समाज का ये हाल है। और इसमें आपको गाने चाहिए कौन से, साहब बीबी और गुलाम के, प्यासा के? मुझे एक साहब पूछने लगे, प्यासा जैसे गाने आप क्यों नहीं लिखते, किसी पिक्चर में लिखिए। मैंने कहा बेटा, पिछले दिनों एक पिक्चर मुझे ऑफर हुई थी, मैंने की नहीं। उस पिक्चर का नाम था जिंदा जला दूंगा। उसमें ही चांस था प्यासा जैसे गाने लिखने का। तो इसका जवाब भी शायद इसी में है कि ऑडियंस कैसे बदले। आई थिंक इस कगार पर हमें ऑडियंस से कुछ सवाल लेने। अरे जरूर, ऑडियंस से सवाल मत कीजिए, ऑडियंस से कहिए कि सवाल करें। हाँ, ऑडियंस से कुछ सवाल लेते हैं। मैंने कहा आपके बहुत सारे दोस्त भी, मैंने सुना है, भोपाल के यहाँ आए हुए हैं, तो कैन वी हैव अ माइक? नमस्कार आपको, और भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जावेद साहब तो बहुत लोगों की पसंद हैं, लेकिन जावेद साहब को कौन से शायर पसंद हैं? मुझे बहुत से शायर बहुत पसंद हैं, इसलिए कि बहुत से शायरों ने बहुत अच्छी शायरी की। फिर ये कि ये भी हो सकता है कि मुझे पूरा शायर ना पसंद हो, उसकी कुछ रचनाएँ, कुछ राइटिंग्स अच्छी लगती हों, ये भी पॉसिबल है, और यही होना चाहिए। बिल्कुल अंधाधुंध किसी को फॉलो करने का मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत ही धार्मिक सी बात हो जाएगी। जी जी, फिर भी एक दो नाम जानना चाहते हैं आपसे। मुझे, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो पिछले 100 साल में बड़े गज़ल के शायर हुए हैं, वो सबसे बड़ा शायर रघुपति साहब फिराक पे मानता हूँ। और मैं उनकी शायरी, मुझे इतनी याद है कि मैं आपको घंटे डेढ़ घंटे तो सुना सकता हूँ। ज़रूर सुनना चाहेंगे सर कभी। तो अभी से शुरू करूं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं सर, ये शान। वरना मेरी फ्लाइट है 9:30 बजे। ओके सर, नेक्स्ट टाइम। जावेद साहब को आदाब और नमस्कार। जावेद साहब, आपकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले रही है, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, सब जगह मशहूर रही है। उसमें आपने किरदार डाला था सुरमा भोपाली का, हालांकि पूरी फिल्म के शूटिंग में वो सुरमा भोपाली वाला कहीं वो अंदाज नहीं था। पूरे फिल्म में एक वो जो भाषा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की जो भाषा है वो बोली जाती है सबों के द्वारा, लेकिन सुरमा भोपाली एक करेक्टर है जो भोपाली अंदाज में बोलता है। तो या तो ये वजह हो सकती है कि आपका भोपाल कनेक्शन वहाँ बोल रहा था, या एक खास वजह हो सकती है कि कोई लेखक किसी चीज़ को अगर अपने अंदर पाले होता है तो वो फिल्मों में चाहे अपनी कथानक में कहीं ना कहीं इतनी चतुराई से सेट करता है कि वो फिल्म का भी एक यादगार लम्हा बना ही देता है। क्या आपने भी ऐसा ही किया था? देखिए, जो भोपाल का, बल्कि अब मैं भोपाली में बोलूँ ना आपसे।
ऐसा है साहब, ये अपन जो भोपाली में बोलते हैं ना उसका अलग ही मजा है। तो मुझे कहीं ना कहीं याद था, तो मैंने कहा यहाँ पे इस्तेमाल कर दे जावेद, भला रहेगा तेरा, अच्छा रहेगा, वैसे भी भोपाल को तू याद करता, तो मैंने कर दिया। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग वेरी मच। सर एक चीज़ पूछनी थी आपसे, जैसे आपने आज ट्रेंड का जिक्र किया कि जैसे कि बॉलीवुड का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो सर आज से आने वाले 20 सालों में आप क्या देखते हैं, हम कहाँ जाएंगे? सर ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा एक है कि आपने इतने सारे गाने लिखे हैं, उन सब में से सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? देखिए मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, हो सकता है कि मैं आप कहें कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि हिंदुस्तानी, देखिए क्या होता है कि एक होती है जेनेटिक विजडम, जो सोसाइटी कम उम्र की हैं उनके पास वो जेनेटिक विजडम उतनी नहीं आ सकती है जितनी 4,000-5,000 साल की जिस सभ्यता जिस समाज की हो, उसमें एक अंदर विजडम चलती है जो इनहेरिट करता है, उसे मालूम भी नहीं होता कहाँ है उसके अंदर। मैं ऐसा यकीन रखता हूँ कि आम हिंदुस्तानी इंटेलिजेंट होता है, आप गांव में चले जाइए वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी नॉलेज शायद उतनी नहीं होगी, लेकिन वो इंटेलिजेंट होगा, वो बेवकूफ़ नहीं है। और यही वजह है कि वो कभी बर्बादी की खाई में गिरेगा नहीं, वो चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा, इसलिए कि कभी कभी अपनी शराफत से भी बोर हो जाता है, अरे यार कितना शरीफ रहूँ कुछ तो करूँ, तो करते 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 मगर वो जब एच पे पहुँचता है तो उसकी समझ में आ जाता है नहीं अभी ये नहीं करना, फिर पीछे आ जाता है। तो आप अगर कुछ घबरा रहे हैं कि अरे भाई कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो ठीक नहीं लग रहा, दिस टू शैल पास, हिंदुस्तानी की जो जेनेटिक विजडम है वो उसे बर्बाद नहीं होने देगी, ये पॉसिबल नहीं, वो हो नहीं सकता। ये ज़रूर है कि कभी कभी जो भले लोग भी होते हैं उनका दिल चाहता है यार हो गई शराफत बहुत, चलो आज सड़क पे दारू पी के घूमते, तो ऐसा होता है, और ख़ासतौर से शरीफ आदमी तो बहुत ही तरसे हुए होते हैं बदमाशी के लिए, वो अलग बात है, उन्हें मज़ा आ रहा होता है, दे फील अरे वाह एडवेंचर हो रहा है, ये चलना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। उसका बेसिक टेम्परामेंट जो है वो मिडिल ऑफ द रोड है, हिंदुस्तान के कल्चर का, उस पूरे आप 5,000 साल को कौन बदल देगा, बदल ही नहीं सकता, वो उसके अंदर है। बायसेस प्रोजुडिसेस तो बहुत ज़रूरी हैं, थोड़े होने चाहिए, उनके बिना आपकी कोई पहचान ही नहीं बनेगी। देखिए ना जी, आपके घर में जितना अच्छा खाना बनता है आपके कज़न के घर में नहीं बनता, तो हमारे घर का खाना अलग होता है, आप ऐसे ही आपको अपनी भाषा के बारे में भी लगेगा, ऐसे ही आपको अपने शहर के बारे में लगेगा, तो वो सब अपनी जगह है। वो कहते हैं कि कोई साहब हज करने गए थे भोपाल के ही, तो हज करके वापस आए तो उनसे पूछा कि अरे साहब मुबारक हो आप तो हाजी हो गए, तो साहब कैसा रहा वहाँ? अरे कह ले अल्लाह के फजल से मियाँ मक्के शरीफ गया, मदीने शरीफ गया, नूर ही नूर बरस रिया, बहुत सुकून मिला दिल को। मगर हाँ एक बात कहूँ, अपने भोपाल वाली बात नहीं है। तो वो जो है वो थोड़ा बहुत तो प्रेजुडिस के बिना आपकी पहचान ही नहीं बनेगी, मगर बिनाइन और मेलिगेंट में फ़र्क है। वो जब मेलिगेंट हो जाए तो फिर ये होता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ दूसरा बहुत ही बुरा है, बस वो नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने दिल में सोचता है मेरा घर अच्छा है, मेरा बाप बहुत अच्छा आदमी है, मेरी माँ से अच्छी तो माँ ही नहीं हो सकती, यहाँ तक चलेगा। मेरे घर में जो खाना बनता है वो दूसरों के थोड़ी बनता है, हमारे यहाँ तो दाल अलग ही तरह की बनती है, वो अलग बात। ऐसे ही ज़माने, अरे साहब जो हमारी शायरी कौन करेगा, यहाँ तक सोचते रहो, लेकिन नफ़रत मत पैदा करो। और नफ़रत भी याद रखो, नफ़रत होलसेल में या थोक में,
न सिर्फ बुरा काम है बल्कि बेवकूफी का काम है. बुरे बनना बन जाओ, बेवकूफ तो मत बनो. ये मुझे ऐसा लगता है. नमस्कार सर. सर मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ और मैं भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ. तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मीडिया के लिए हम जैसे राइटर को, जो हम पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे हैं, हमें कैसे लिखना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ लोग सुने. जो हम गानों की भी बात कर रहे हैं कि डिग्रेड हो रहा है, तो हम ऐसे कैसे लिखें कि ये जो आम जनता है वो भी अच्छी बातें सुने. देखिए अब तो ज़माना बड़ा बदल गया है. अब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई हैं, कुछ सर्टन इंस्टीट्यूशन भी हैं, इवन प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रिप्ट भेज सकती हैं और वो उसे रियली उनके पास आदमी होते हैं पढ़ने के लिए. ऐसे एजेंट्स हैं जो अगर आप उन्हें हायर कर लें तो आपकी स्क्रिप्ट जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं. ये सब हो रहा है, अच्छी बात हो रही है. तो जैसे आप जैसे जो नए लड़के लड़कियाँ हैं उनको काम में बहुत आसानी हो जाएगी. उन्हें प्रोड्यूसर्स के घर मारा मारा नहीं फिरना पड़ेगा जो हमारे ज़माने में था. तो आप ऐसा कीजिए कि स्क्रिप्ट लिखिए और उसके बाद आप दो चार प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप जाइए नेट पे जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप किन्हें स्क्रिप्ट भेज सकती हैं और आप उन्हें भेजिए. एंड होप फॉर द बेस्ट. ऐसा हुआ है कि लोगों ने लिए हैं स्क्रिप्ट, लेकिन आप उन्हें रजिस्टर ज़रूर करवा लीजिएगा. रजिस्टर कराना कोई मुश्किल बात नहीं है. अभी हम लोग IPRS में गए और राइटर्स एसोसिएशन पे आप ऑनलाइन भी करवा सकती हैं रजिस्टर. रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को भेजिए जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, करण जौहर का है, फरहान का जो बैनर है, इस तरह के लोगों को आप भेजेंगी. यशराज को भेजिए. यशराज में बाकायदा एक स्टोरी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वो दे सीरियसली रीड स्क्रिप्ट जो उनके पास आती है. तो अगर उनके दिल को लग गई तो ले लेंगे. हेलो सर जी. सर मैंने सुना है जो मूवी, सर जो मूवी है 1942 अ लव स्टोरी, उसमें जो गाना था एक लड़की को देखा, आपने वो 2-3 मिनट में ही लिख डाला था, तो आपके दिमाग में क्या था जिसको सोच के आपने इतनी जल्दी लिख दिया? बैठ जाइए. आप अगर ये समझ रही हैं कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो ये ख्याल मत रखिए. वो भी एक कहानी है और बहुत ही, मतलब ये है कि मैं उसका ग्लैमर ही कम करूँगा सुना के. हुआ क्या कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट सुनी अपना पंचम के आरडी बर्मन के म्यूज़िक रूम में. तो जो स्क्रिप्ट सुनी उसमें ये सिचुएशन नहीं थी. तो मैंने विदु उन्हें चोपड़ा को सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक गाना रख दीजिए. अरे कहने यहाँ तो अभी रोमांस ही नहीं शुरू हुआ है, उन्होंने जो मिले तक नहीं एक दूसरे से, और उसने वो एक झलक देखी है वो बस की खिड़की पे लड़की की, और अभी तो उसे नाम भी नहीं मालूम कौन है, कुछ नहीं जानता वो. कहा मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में बहुत अच्छा गाना बन सकता है. तो कहने के आरडी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा अच्छा तो तुम लिख दो, अगर अच्छा होगा ले लेंगे भाई. तो मैंने कहा मैं लिख के लाता हूँ, कब मीटिंग है? कहने बुध को 4 बजे मिलते हैं. ये था सैटरडे. मैं अपने घर आ गया और भूल गया यार. अब बुध को याद आया कि ये तो अपॉइंटमेंट है. तो अब मैं कार में खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, और मैं इतना दिल में शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतना डिस्कशन किया था और इंसिस्ट किया था यहाँ गाना होना चाहिए, बहुत अच्छा गाना आएगा, और कुछ भी नहीं सोचा है मैंने. तो मैं वहाँ जवाब क्या दूंगा? आई लुक वेरी स्टूपिड. मेरे लिए तो उन्होंने मीटिंग रखी है. पता नहीं कुछ बातें ऐसे दिमाग में चिपक जाती, तस्वीर आ जाती है. एक लिडो सिनेमा हाउस होता था जूहू में, मैं उसे क्रॉस कर रहा था कि मुझे आइडिया है. मैं पहुंचा हुआ, मैं देखो भाई मैंने बहुत सोचा, 4 दिन में यही सोच रहा था, और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत ही अच्छा गाना बन सकता है, ऐसी चीज़ आ गई मेरे पास. वो आप लोग सुन लीजिए, अगर पसंद हो तो बताइए, मैं लिख दूंगा. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अभी एक ही लाइन सोची थी, और इसके बाद सिमलीज आएंगे कि ऐसा लगा वैसा लगा ये लगा, बस. आप समझ रहे हैं? इसलिए मिला तो है नहीं वो. तो उन्होंने कहा हाँ आइडिया तो अच्छा है. मेरा दिल बैठ गया. मैंने कहा ये रिजेक्ट कर दे तो आराम हो जाता. कहने नहीं अच्छा आइडिया है, तो एक काम करो पहला अंतरा यहीं बैठ के लिख दो. तो मैंने कहा अच्छा. मैं कोने में बैठा
तो जो पिक्चर का गाने का पहला अंतरा मैंने वहीं ये लोग बात कर रहे थे, मैं दूसरी तरफ बैठ के पहला अंतरा लिख दिया। वो तो जीनियस था, जिस आदमी का नाम था आर डी वर्मा, वो तो क्या टैलेंट था उसका। उसने गाना लिया, बाजे पे रखा, गाने लगा। ये मतलब एक मिनट उसने गाने को सोचा नहीं कि मैं क्या ट्यून बनाऊँ, वो सुन लिया था फिर रखा और गाने लगा, वही उसकी ट्यून। उसने कहा कि अब ऐसा करो कि यार दो अंतरे और लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है लिख दूंगा। दूसरा अंतरा भी घर पे लिखा तो आसानी से हुआ। तीसरे अंतरे पे मेरी सांस फूलने लगी, इसलिए कि सिमलीज कितनी दें और कैसी कैसी दें। बहुत सारी सिमलीज थी जो मैं नहीं देना चाहता था, जैसे कि ये भी हो सकता था, जैसे छलका हो जाम, ये लाइन मैंने नहीं लिखी। मैं कोई ऐसी लाइन नहीं लिखना चाहता था जिसमें प्योरिटी नहीं हो। इस गाने में एडमिरेशन होना चाहिए, मैंने ये तय कर लिया था कि एडमिरेशन होना चाहिए, हवस या लस्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो सिमलीज जो कि बहुत इस तरह की लगे कि इसमें लालच दिख रही है फिजिकल अट्रैक्शन की, मैंने वो उन सिमलीज को इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से तीसरा अंतरा मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उस पर। कहिए। मुझे बस ये पूछना था, जैसे उन्होंने कहा कि अभी आपने एक स्टैंजा एक सॉन्ग का 3 मिनट में लिख लिया था, और आपने खुद कहा कि आपने एक गाना जब पहली बार लिखा था तो आप सुबह 8 बजे ऑफिस गए यशराज के, एंड बाय द टाइम इट वाज 10:30 यू हैड कंप्लीटेड इट। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये जो एक राइटिंग टैलेंट होता है दैट इज़ गॉड गिफ्टेड, या फिर ये यू कैन लर्न इट विद प्रैक्टिस? देखो, कोई चीज़ तो है इनबॉर्न टैलेंट भी, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं पेंटर बनना चाहूँ, या बनना चाहता बचपन में भी, कितनी भी मेहनत करता मैं पेंटर नहीं बन सकता था। मैं तो सीधी लकीर नहीं खींच सकता हूँ। मैं तो जब लिखता हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे खुद ही पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मेरी हैंडराइटिंग है। तो मगर कुछ तो इनबॉर्न टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ इनबॉर्न टैलेंट काफ़ी नहीं। आपके लिए अगर आप राइटर बनना चाहती हैं तो पहले तो बहुत ज़बरदस्त इनटेक होना चाहिए आउटपुट से पहले। आप पढ़िए, अगर आपको पोइट बनना है तो आप पोइट्री हर तरह की पढ़िए, आप जितनी अवेलेबल है, पुरानी नई हर तरह की, प्रोग्रेसिव राइटर्स, मॉडर्न पोएट्स, पोस्ट मॉडर्न पोएट्स, दोहे, फोक सॉन्ग्स क्या हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। जब आपके पास वो उन शब्दों का, उस तरह के लिखने का खजाना आएगा, वो आपके पास होगा, आपकी स्मृति में होगा, याद में होगा, तब आप लिखेंगी तो पूरे कंट्रोल से लिखेंगी। थैंक यू सर। जावेद साहब, यू वॉन्टेड टू डायरेक्ट व्हेन यू केम टू बॉम्बे, फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डायरेक्ट करूं? या अगर सर, वो तो अभी तक लगता है मुझे, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, फिजिकल लेबर बहुत है। हेलो। तो हुआ क्या, बीच में पहले तो मैं राइटर बन गया यही सोच के कि शायद डायरेक्शन के करीब पहुँच जाऊँगा, फिर वो हमारी राइटिंग इतनी चल गई, मैं उसी में खो गया। उसके बाद वहाँ से ज़रा निकला तो सॉन्ग राइटिंग इतनी हो गई कि सॉन्ग राइटिंग में लगा रहा। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि यही हसरत लेके मैं गया था और मैं दूसरे कामों में लग गया। तो अभी भी कभी कभी लेटे लेटे फैंटेसाइज करता हूँ कि मैंने एक पिक्चर डायरेक्ट कर ली है और वो बहुत पसंद आई है लोगों को। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। जावेद साहब, आदरणीय जावेद साहब, आपका एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ है फिल्म दीवार में, मेरे पास माँ है जी। इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, जहन में कैसे आया? देखिए, अब ये हमारे कल्चर में एक माँ का एक ऑब्सेशन रहा है। अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे फिल्मों में वो कम हो रहा है, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक ज़माने तक रहा है। और ये पता नहीं, अब ज़रा मैं थोड़ी सी मेलोड्रामेटिक बात करने वाला हूँ, तैयार रहिए। ये भी एक इत्तेफाक है कि सलीम साहब और मेरी दोनों ही की मदर हमारे बचपन में ही मरी थी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, वो भी और मेरे भी। तो कहीं शायद डिप्रिवेशन और मदर, अब मैं कॉन्शियस लेवल में आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इट, नॉट दैट आई वाज अवेयर ऑफ इट, तो कहीं वो भी था एक ऑरा हमारे माइंड में, माँ का नहीं थी तो उसे फैंटेसाइज करते थे। तो हमारी शुरू की कहानियाँ आप देखिए, माँ की बहुत ही इम्पोर्टेंस रही है और बहुत अच्छा रहा कैरेक्टर उसका। फैक्ट ये है कि समाज में रहा है। अब बात निकली है तो आप लोग मुझे 2-3 मिनट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको एक अजीब बात कहूँगा आपसे, जो मैं ज़रा सा अब मैं फिल्मों से हट के बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा,
ये समाज में माँ की बहुत इज्जत हो और माँ की बिल्कुल पूजा ही हो रही हो, समझ लेना उस समाज में औरत की पोजीशन बड़ी ख़राब है और बड़ी मुसीबत में औरत। आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, माँ बहुत आदरणीय है, माँ के चरणों के नीचे तो स्वर्ग है, माँ की तो पूजा होनी चाहिए। बाप क्यों नहीं आदरणीय, बाप आदरणीय है तो कभी कहते नहीं हो ना, ये कहते हो बाप के पैरों के नीचे जन्नत है और स्वर्ग है, बाप के पैरों के नीचे तो जायदाद है। अच्छा, माँ जो है उसका बहुत आदर होना चाहिए पूजा, बाप के बारे में क्यों नहीं कहते हो कि आदरणीय है, इसलिए कि बाप क्या, हर पुरुष आदरणीय है तो उसमें बाप के बारे में कहने जरूरत क्या है। यहाँ एक सेलेक्ट की गई है, माँ आदरणीय है तो फिर कौन आदरणीय नहीं है, जो माँ नहीं है। अच्छा, और माँ भी किसकी आदरणीय है, मेरी माँ आदरणीय है और मेरे बच्चों की माँ, वो आदरणीय है कि नहीं। और मेरी माँ, जैसे बताया मैं 17 जनवरी को पैदा हुआ था, 16 जनवरी को मेरी माँ आदरणीय थी कि नहीं, अगर 17 को वो आदरणीय हुई तो वो काय की आदरणीय, आदरणीय तो मैं हूं। ये इसमें एक कैच है जिसको समझिए, है क्या, जो मेल चाइल्ड है जब वो 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, वो अपनी माँ के साथ बहुत जुल्म देखता है, अन्याय देखता है, उसका ह्यूमिलेशन देखता है, उसकी बेइज्जती देखता है, तो वो सोचता है जब मैं बड़ा हूँगा वो तो अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि बच्चे को धप 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 मारो तो सो क्यों जाता है, बच्चे को ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाओ तो सो क्यों जाता है। अरे भाई, आपको कोई ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा आप तो जाग जाएंगे, आपको कोई धप धप मारेगा आप उठ जाएंगे, बच्चा क्यों सोता है। इसलिए कि बच्चा अभी तक फैंटेसाइज कर रहा है कि वो माँ की के पेट में है, और ये जो धप धप है वो उसे माँ के हार्ट की बीट लगती है जो वो सुन रहा था अंदर, और ये जो आप इसे हिलाते हैं तो उसे लगता है अभी मैं माँ के पेट में ही हूँ, जूसेस में ही हिल रहा हूँ, तो वो सिक्योर्ड फील करता है। ये तो उसका रिश्ता है माँ से। अब वो सोचता है मैं बड़े होकर अपनी माँ के लिए कुछ करूँगा और मैं माँ के लिए दुनिया से लड़ूंगा, तो वो बड़ा होता है, माँ का ख्याल तो रखता है वो, लेकिन अब वो मर्द हो चुका है, अब उसे दूसरी औरतों पे जुल्म करना है, तो वो अपनी माँ के प्यार को भी चाबुक बना लेता है। आज तक दुनिया में ऐसी औरत नहीं जन्मी है जो अपनी सास से बेहतर दाल बनाना जानती हो। हेलो, इसके मतलब ये है कि हर जनरेशन में हमारे यहाँ कुजीन का स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है, फिर जब ये सास बन जाएगी तो इसकी बहू ऐसा नहीं बना पाएगी जैसे मेरी माँ बनाती थी, तो स्टैंडर्ड 5,000 साल से खाने का नीचे आ रहा है। ये एक फ्रॉड है, जो माँ देवी है, माँ देवी नहीं, माँ औरत है, देवी तो तुम इसे इसलिए बनाते हो कि उसे ह्यूमन राइट्स नहीं देना चाहते हो। जिस समाज में औरत के पास राइट्स है, जिस समाज में औरत की इज्जत है, वहां माँ नहीं पूजी जाती। वेरी गुड, देयर कैन नॉट बी अ बेटर पॉइंट टू कंक्लूड दिस सेशन। भोपाल के लिए चंद लाइन कहकर अगर कंक्लूड किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ये बात माननी पड़ेगी सर। साहब, ये शेर मेरा नहीं है, किसी का है, लेकिन ये शेर मुझे बम्बई में बुरे वक्तों में कई बार याद आया। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। वाह।